हाय गाइस, सो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला सैंडविच। ये कोल्ड सैंडविच है, यानी कि हमें इसे पकाना नहीं है और ये 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट हमने इसमें नहीं डाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले आपने लेना है दही। जो दही है ये काफ़ी गाढ़ा दही है, तो आप गाढ़ा दही ही लीजिए अपने सैंडविच के लिए। अब ये मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी चिली सॉस, साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ इसमें हरी चटनी। अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है तो आप हरा धनिया डाल दीजिए, और थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी काले मिर्च डाली है। अब हम कर देंगे इसको मिक्स। अगर आपके पास घर में अनियन विनेग्रेट सॉस है तो आप वो भी डाल दीजिए, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ सब्जियाँ। सब्जियों में ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा खीरा, ये है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी नहीं डालनी है तो आप लेटस भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ कलर के लिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट है ये है बीट रूट। और ये डाली थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ा सा टमाटर। आप इसमें से जो भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप कोई सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। इसमें आप अपनी मनपसंद सब्ज़ी डाल सकते हैं। तो बस अब इसे हम कर देंगे मिक्स। और ये मैंने ली है ब्रेड, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, ये सैंडविच ब्रेड ही है। बस इस पे मैं लगा रही हूँ ये नॉर्मल टोमेटो केचप, जो हमारी घर में नॉर्मल टोमेटो सॉस मिलती है, बस वही हम इस पे लगा रहे हैं। दोनों साइड लगा लीजिए। सारी क्वांटिटीज आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। अब खूब सारा हमारा ये जो कर्ड और वेजिटेबल्स का मिक्सचर है इसे आप लगा दीजिए एक साइड पर, अच्छे से फैला दीजिए और इसे कवर कर दीजिए, और साथ ही साथ ही इसे सर्व कर दीजिए। इसे हमें गर्म नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो बस आपका ये क्विक एंड हेल्दी सैंडविच रेडी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट्स में नीचे बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।